दोस्तों, इस चीज़ में कोई शक या मुबालगा नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपको ज़्यादा सफाई नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू हमारे कंट्रीज़। और कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि शायद वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग ज़्यादा महज़ब होते हैं, सफाई का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इस वजह से ये मुल्क भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, रोड्स भी ज़्यादा साफ़ सुथरी होती हैं और पार्क्स भी ग्रीन और लश होते हैं। लेकिन क्या ये हकीकत है? चले मैं आपके साथ एक छोटी सी मिसाल शेयर करता हूँ। सिडनी का एक सबर्ब है लाइकार्ड और यहाँ पर एक मैच हो रहा था जिसकी मैं सिक्योरिटी की शिफ्ट करने गया। मैच खत्म होने के बाद जो सूरत हाल मैंने वहां पर देखी वो देख के मैं बिल्कुल हैरान रह गया। पार्क में जगह जगह पर आपको गंद नजर आएगा जो कि आप वीडियो में देख भी सकते हो। लोगों ने जो चीजें जहां पर खाई वो वहीं पर छोड़ दी। किसी को भी इतनी तौफीक नहीं हुई कि अपनी चीजों को उठाकर डस्टबिन में फेंक दे। और मैं ये सोच रहा था कि ये तो पढ़े लिखे लोग हैं यार, इनको तो सफाई सुथराई का हम लोगों से ज्यादा इल्म है, तो ये इस तरह क्यों कर रहे हैं? लेकिन मेरी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं था कि बिन्स नहीं थी और क्लीनर्स नहीं थे, वहां पर क्लीनर्स भी मौजूद थे और बिन्स भी थी, लेकिन कोई भी शख्स अपने आप को इतनी तकलीफ़ नहीं देना चाहता था कि वो अपना जो गंद है या जो अपना बचा खुचा सामान है या कूड़ा करकट है उसको उठाकर बिन के अंदर फेंक दे जाके। अलबत्ता कुछ लोग, जिसमें ज़्यादातर बच्चे या फिर बूढ़ी उम्र के लोग, वो चीज़ें अपनी उठाकर बिन में फेंक रहे थे। लेकिन बाकी लोगों को देख के ऐसा लग रहा था कि टिकट के अंदर ही सफाई सुथराई के पैसे भी हैं और अब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपना सामान या अपना गंद या अपना कूड़ा कटकर उठा के बिन के अंदर फेंके, बल्कि सब लोग खामोशी से घरों को जा रहे थे। एनीवेज, तो इस छोटी सी मेरी ऑब्जर्वेशन को जो दिखाने का मकसद था वो ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के अंदर हम सब लोग एक जैसे हैं, लेकिन जो चीज़ हमें डिफरेंशिएट करती है वो होता है लॉ एंड ऑर्डर। जहाँ पर कानून सख्त होता है वहाँ पर लोग भी तीर की तरह सीधे होते हैं। अब मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर रोड पर जाते हुए अगर आप गाड़ी में से कोई भी चीज़ बाहर फेंकते हो और पुलिस आपको पकड़ लेती है तो वो आपको फ़ाइन देती है, शायद $120 का या $150 का, कुछ इस तरह से, और वो फ़ाइन आपको पे करना पड़ता है। वहाँ पर आप $50-100 की पत्ती नहीं दे सकते हो। लेकिन हमारे मुल्कों में क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, करप्शन होती है, तो अंडर द टेबल सब कुछ चलता है। सिर्फ अगर लॉ एंड इन्फोर्समेंट के इदारे ठीक तरह से काम करें तो पाकिस्तान में भी चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। अब आपको एक और छोटा सा वाक्य याद दिलाता हूँ। शायद 2 साल पहले अमेरिका के अंदर जब ब्लैक लाइव्स मैटर की एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट के अंदर लोगों ने ठीक ठाक तरीके से तोड़फोड़ की थी, दुकानें लूटी थी, गाड़ियों को आग लगाई थी। क्यों? क्योंकि उस दिन पुलिस गायब थी। तो पुलिस अगर होगी तो सब कुछ ठीक होगा। जिस दिन यहाँ पे पुलिस नहीं होती उस दिन यहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा गंद मचाते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हम अपने लोगों को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, जो कि टोटली अनफेयर है। अलबत्ता सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। तो इसी बात को देखते हुए मैं अब अपनी गाड़ी साफ़ करने जा रहा हूँ और अपना कमरा ठीक करने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने आप लोगों को वो दिखा दिया तो सबसे पहले आप मुझे क्रिटिसाइज़ करोगे कि मैं जो इतना बड़ा भाषण दे रहा हूँ उसका अपना कमरा और उसकी अपनी गाड़ी किस तरह की है। एनीवेज, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच, पीस।